इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस के आज के इस भव्य ऑडिटोरियम के उद्घाटन कार्यक्रम। तो देखिए, लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है संबोधित कर रहे हैं। सिक्योरिटी की भूमिका विशेषक राष्ट्रीय। आज भारत का संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 की तिथि स्वतंत्र भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो भारत का संविधान निर्मित हुआ था और जिसके वास्तुकार के रूप में भारत माता के महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें मेहनत की थी, आज उनके द्वारा बनाए गए संविधान को 75 वर्ष पहले भारत ने अंगीकार किया था। छब्बीस नवंबर 2015 से इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है और वही समारोह आज संविधान की प्रस्तावना की शपथ के साथ हम लोग आज इस भव्य ऑडिटोरियम में भी आयोजित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको भारत के संविधान दिवस की और इंस्टीट्यूट को अपना नया ऑडिटोरियम मिलने की हृदय से बधाई देता हूं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि सुशासन की पहली शर्त होती है कि वहां पे कानून का राज हो। कानून के राज के लिए आवश्यक है कि संविधान की भावनाओं के अनुरूप देश के सभी संवैधानिक संस्थानें कार्य करें, वे अपनी लक्ष्मण रेखा को भी माने और समयबद्ध तरीके से एक पीड़ित को न्याय मिल सके, इस दिशा में पहल करें और अपने स्तर पर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करें। लेकिन बहुत बार होता क्या है, निर्दोष व्यक्ति सजा पा जाता है और दोषी व्यक्ति पूरी तरह अपराध से मुक्त होकर के स्वच्छंद होकर के समाज की व्यवस्था को चुनौती देता है। समय के अनुरूप अपराध की प्रकृति भी बदली है। जब भारत के अंदर ये सभी कानून बने होंगे, उस समय की परिस्थितियां, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी। ये देश प्रतंत्र था, देश स्वतंत्र हुआ, देश ने अपने आपराधिक कानून, अपने सिविल कानून और अन्य सभी प्रकार के जो भी कानून बनाने थे वह उसके अनुरूप समय के अनुरूप बन नहीं पाए थे और फिर वह विसंगति हमें हर स्तर पर देखने को मिलती थी। भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को भारत के अंदर सरकार बनाने के लिए समान मताधिकार की शक्ति प्रदान की, बिना भेदभाव के। न जाति का भेद है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, न लिंग का है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। याद करिए, दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का टंका और ढिंडोरा पीटने वाले वे तमाम दुनिया के वे देश जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं, उन देशों में मताधिकार की शक्ति में रंग भेद था।
लिंग भेद भी था। भारत के अंदर पहले दिन से 1952 में जब स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ, भारत ने न जाति भेद को माना, न रंग भेद को माना, न क्षेत्र और भाषा के भेद को माना और न किसी भी प्रकार के महिला और पुरुष के भेद को ही माना, बल्कि भारत का हर वयस्क मतदाता मताधिकार की अपनी शक्ति का उपयोग करके भारत के अंदर सरकार के गठन में योगदान दे सकता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में यह गौरव भी भारत को प्राप्त है। अगर भारत ने यह ताकत भारत के प्रत्येक नागरिक को दी है तो फिर भारत के हर नागरिक के साथ जो ताकत है उसको समान रूप से न्याय प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए। और हम सब आभारी हैं कि अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत ने अपने 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 नए कानून आज भारत ने लागू कर दिए हैं। यानी इनके पीछे ही भाव क्या है, यह आपराधिक संहिता नहीं, दंड संहिता नहीं, बल्कि न्याय संहिता है, ये नागरिक सुरक्षा की संहिता है, ये साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हम उस प्रकार के साक्ष्य जुटाएंगे और तब अपराधी को कटघरे में खड़ा करेंगे, हम किसी को भी अपराधी नहीं कह देंगे। और इसके लिए यह व्यवस्था दी गई कि 7 वर्ष से ऊपर के किसी भी ऐसे आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य आवश्यक है, लेकिन कानून आपने लागू कर दिया, उस प्रकार के संस्थान, उस प्रकार की हाई क्लास लेबोरेटरी का अभाव उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पर लोगों ने अभी तक कार्य नहीं किया। 2021-2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, किसी से छुपा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, एक शरीफ व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकता था, घर के बाहर आने में डरता था, दुर्दांत अपराधी और माफिया स्वच्छंद होकर के पैदल समानांतर सरकारें संचालित करते थे, और दुष्परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने भी, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने भी पहचान का संकट था। उस समय जब यह दहेज तो उत्तर प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के अंदर सरकार का संचालन करना है, मुझे यह दायित्व दिया गया, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हम उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त कैसे करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब उत्तर प्रदेश पुलिस, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस सिविल पुलिस रखता है, उसमें से आधे से अधिक पद खाली थे। पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न भी करना है, कैसे होगा। और फिर जब सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और हम लोग हमेशा इस बात को मानते कि जहां चाहा वहां रहा, अपने आप रास्ता बनता गया, 1,54,000 से अधिक हमने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, पूरे पारदर्शी तरीके से की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने संपन्न की है, और ये प्रक्रिया कितने पारदर्शी तरीके से हुई है। 50,00,000 एप्लीकेंट थे और पूरे शानदार तरीके से पूरी परीक्षा संपन्न हुई है, परिणाम भी घोषित हो गए हैं। ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश के अंदर जिस रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, उसके लिए, उस प्रकार का माहौल पैदा करने के लिए, उस प्रकार का वातावरण हमें तैयार करना है, कैसे कार्य होगा।
तब हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें प्रदेश के अनुरूप अब पुराने ढर्रे से हट करके, लीक से हट करके कुछ कार्य करने होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर तब फॉरेंसिक जो लैब्स थी हमारे पास मात्र छह स्थानों पर, चार स्थानों पर थी, हम उसको बढ़ा करके आज हर जोन स्तर पर हमारे पास एक एक अच्छी लैब बनकर के तैयार हो चुकी है। हम उसको रेंज स्तर पर भी लेके जा रहे हैं, यानी 18 रेंज है वहां तक हम पहुंचा रहे हैं। साइबर थानों की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर केवल दो थी, एक गौतम बुद्ध नगर जनपद में, एक लखनऊ में। हमने पहले चरण में कहा कि भाई इसको कम से कम 18 रेंज में लेके तो जाओ, 18 रेंज में ले गए, फिर 75 जनपदों में ले गए, और अब प्रदेश के अंदर सभी जो हमारे 1775 थाने हैं उन सब तक हम लोगों ने आज के दिन पर एक एक साइबर हेल्पलाइन भी वहां पर स्थापित कर दी है। जहां पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना की है, ये लैंड कभी उत्तर प्रदेश पुलिस की ही थी, लेकिन प्रदेश के अंदर बीच का जो अंधकार का युग था उस कालखंड में लखनऊ के एक बड़े दुर्दांत भू माफिया ने इस लैंड को अपने नाम पे करा दिया था। और कितने लाचार की थी कि मेरे पास उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक एक फाइल लेकर के एक दिन आए, उन्होंने कहा साहब उत्तर प्रदेश पुलिस की एक लैंड है और उस पर एक भू माफिया प्लॉटिंग कर चुका है। मैं भौचक था, मैंने कहा यूपी पुलिस की लैंड पर? भाई हम ये तो सुनते थे कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा कर लिया है, कब्जा करवा लिया है, लेकिन पुलिस की लैंड पर कोई भू माफिया कब्जा कर रहा है, ये तो आपने जो है उल्टा बता दिया। मैंने कहा मैं आपकी बात से पहले ये मुझे अनुमान लगा रहा था कि हो सकता है कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा किया होगा, लेकिन आप तो उल्टा बोल रहे हैं कि पुलिस की लैंड पर कोई भू माफिया कब्जा कर लिया, इसका मतलब वो कोई दुर्दांत भू माफिया होगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कितनी लैंड है? पहले मैं भी सोचता था 2-4-5 एकड़। उन्होंने कहा 120 एकड़। मैंने कहा 120 एकड़ पर? कहाँ? हाँ, उसने लैंड रिकॉर्ड में सब अपना नाम दर्ज करवा लिया और सब इल्लीगल है। मैंने कहा इसकी पूरी फाइल तैयार करो, और मैंने कहा फाइल तैयार करते समय याद रखना किसी को पता नहीं होना चाहिए, कानों कान पता नहीं होना चाहिए, केवल आप और मेरे बीच में बात होनी चाहिए, जब फाइल तैयार होगी तो आप मुझे केवल देंगे और बाकी लैंड कैसे खाली होनी है वो मैं तय करूंगा। आश्चर्य करेंगे, इसी दौरान हमारे पुलिस महानिदेशक खाली तो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने वायदे से मुकरे नहीं। रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद एक दिन वो फाइल लेकर के मेरे पास पहुंचे, उन्होंने कहा ये है आपकी फाइल जिसके लिए आप कह रहे थे। फिर हमने रेवन्यू बोर्ड से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, जिन अधिकारियों ने रेवन्यू रिकॉर्ड में गलत तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई की, और इस पूरी लैंड को यूपी पुलिस के नाम पे फिर से करने में सफलता प्राप्त की और माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जैसे एफआईआर दर्ज हुई तो माफिया सरेंडर कर गया, उसने कहा साहब मुझे लैंड नहीं चाहिए, आप केवल लैंड ले लीजिए लेकिन मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हुआ। और उसके बाद तब तो हम लोगों ने तय किया था कि यहां पे हम लोग एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे। उसकी शुरुआत हुई, राज्य की तरफ से उसका एक्ट बनने में थोड़ा लेट हुआ, गृह विभाग को मैं कई बार से कह रहा था कि भाई एक्ट जल्दी बनाओ, इसी दौरान कोविड-19 के कारण और अन्य परिस्थितियों के कारण इसमें थोड़ा लेट हो गया। राज्य के अंदर कोरोना जैसी महामारी के प्रबंधन में पूरी टीम लग गई, और फिर जब हम लोगों ने इसके एक्ट को बना करके तैयार किया, विधानसभा से एक्ट भी बन करके तैयार हो गया, फिर भारत सरकार से ये हुआ कि देश के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी और उससे एफिलेटेड इंस्टीट्यूट होंगे। हमने कहा नहीं, हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे, एफिलेटेड हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही करेंगे,
लेकिन हम लैंड इतना रखेंगे कि फ्यूचर में अगर कभी यूनिवर्सिटी बनाने की नौबत आएगी तो फिर इसको हम एक यूनिवर्सिटी के रूप में भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा गृह विभाग के लिए और इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर जी के गोस्वामी जी ने भी पूरी मेहनत किया, यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री और पीजी के अनेक पाठ्यक्रमों को ला करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। याद रखना, हम लोग अगर समय से 10 कदम आगे नहीं चल पाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। विकास की दौड़ में हमारे लिए कोई स्पेस नहीं होगा। हम आज की दुनिया को हमें समझना पड़ेगा, उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। हम विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से कभी पीछे नहीं हट सकते। और यह भी मान के चलना चाहिए कि हर नए कार्य का शुरुआती विरोध हुआ है, हमेशा हुआ है। मुझे याद है 1990 के दशक के प्रारंभ में देश के अंदर बैंकों का कंप्यूटरीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और पूरे देश के अंदर लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया कि साहब अब बेरोजगार लोग हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। कोई बेरोजगार कहां हुआ? कंप्यूटर ने तो नए जॉब क्रिएट किए, कार्य को आसान किया, लोगों के लिए सुगम सेवाएं प्रदान करनी प्रारंभ कर दी। आसानी से आप अपनी सारी एक्टिविटीज को वहां पर देख सकते हैं, एक एक कार्य को देख सकते हैं। लेकिन शुरुआती विरोध हुआ था। और कब नहीं विरोध हुआ? टेलीफोन आया होगा तब भी विरोध हुआ होगा, प्रिंटिंग प्रेस आया होगा तब भी विरोध हुआ होगा, हर एक स्तर पर विरोध हुए होंगे। मोबाइल फोन आया होगा शुरू शुरू में, टेलीविजन आया था शुरू शुरू में, उसका भी विरोध हुआ था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के साथ जब समाज आगे बढ़ता है तो उसकी प्रगति भी होती है, उसके जीवन में नए नए जॉब क्रिएट होने की संभावना भी आगे बढ़ती है और जीवन को उतना ही आसान बनाने में मदद भी मिलती है। और यह आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी से दूर भागने की आवश्यकता नहीं, उसको अपनाने की आवश्यकता है। हाँ, उसके सुरक्षात्मक और नैतिक उपायों को भी अपने साथ जोड़ करके रखने की आवश्यकता है, उसका कोई दुरुपयोग न करें। लोक कल्याण के लिए एक सामान्य नागरिक और अंतिम पैदल पर बैठे हुए व्यक्ति को हम न्याय प्रदान कर सकें, राहत दे सकें, टेक्नोलॉजी का उपयोग इस दृष्टि से आवश्यक है। और उस दिशा में यह नया प्रयास जब प्रारंभ हुआ तो हम लोगों को लगा कि यह इंस्टीट्यूट इसी रूप में, और मुझे लगता है इंस्टीट्यूट को केवल यही तक सीमित नहीं रहे, ना कि हमने केवल डिप्लोमा या डिग्री या यहां पे पीजी के कुछ सर्टिफिकेट या उसके डिग्री यहां से वितरित करनी है, अवेयरनेस के विराट कार्यक्रम का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे समाचार पत्रों में, टेलीविजन में न्यूज तो आते हैं, लेकिन उससे बचाव के लिए हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए या डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए हमारे स्तर पर या उन स्तरों पर क्या कार्रवाई हो रही है? हर दिन हो रहा है, हर दिन मामले आ रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंची है? अगर अच्छे लोग टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, सकारात्मक सोच के लोग टेक्नोलॉजी से भागेंगे तो नकारात्मक लोग उस पर हावी होंगे। परमाणु ऊर्जा के दोनों निहितार्थ हैं, आप उसको से एनर्जी भी बना सकते हैं, उससे एटम बम भी बना सकते हैं। ऊर्जा बनाएंगे तो लोगों को बिजली मिलेगी, लोगों की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। एटम बम बनाएंगे तो वो एटम बम कहीं ना कहीं मानवता के लिए विनाशकारी ही साबित होने वाला है। लेकिन यह व्यक्ति पे निर्भर करता है, किन लोगों के हाथों में ये टेक्नोलॉजी पड़ी है, किन लोगों के हाथों में आ रहा है। और ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी के प्रश्न भी हमारे सामने है, ऐसे ही फॉरेंसिक सेक्टर में भी आप देख रहे होंगे,
फॉरेंसिक साक्ष्यों से जुड़े हुए मामले कितने लंबित हैं, वर्षों वर्षों से मामले लंबित हैं, उसकी जांचें पेंडिंग पड़ी हुई है, आता नहीं और जब तक आता है तब तक बहुत पुराना पड़ चुका होता है। एक व्यक्ति न्याय से वंचित रह जाता है और एक व्यक्ति नहीं उससे न्याय से वंचित होता है, पर मानवता उस न्याय से वंचित होती है। एक अपराधी जब छूटता है और फिर समाज को आंखें दिखाता है तो वह कानून को, रूल ऑफ लॉ को एक प्रकार से चुनौती देता है। हमारी जो संविधान की उन सभी पिलर्स को चैलेंज करता है, जिस पर हमारा लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा है, जिसने हमें यह ताकत दी है कि हम सब एक साथ मिलकर के अपने देश के बारे में सोच सके, समाज के कल्याण के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में सोच सके, उसको चुनौती देता है। और इसलिए आज के दिन पर जहां हमें इन सभी के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, अभी मैं देख रहा था पीजी डिप्लोमा के कुछ छात्रों को यहां पर मुझे सर्टिफिकेट देने को का अवसर मिला, मैंने देखा जितने छात्र आए थे सभी अलग अलग ब्रांचेस से थे, यानी एक नया प्रयास हुआ है। वह प्रयास और फॉरेंसिक का भी है, साइबर सिक्योरिटी का भी है, अन्य उसमें भी, और कहां तक आप भागेंगे इससे? क्या पहले लोग कहते थे मोबाइल फोन जब आया शुरू शुरू में उसकी कॉल को देख करके लोगों को ने तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की, आज तो लोगों ने 5G को भी अपना लिया, 6G भी लॉन्च होने का अब इंतजार कर रहा है। ये लंबा सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, जो रुकेगा वो पिछड़ जाएगा। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चाहिएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ChatGPT आ गया, आपको कोई भी अपना आर्टिकल तैयार करना है कुछ ही मिनटों में, यानी 2 मिनट में आपके पास एक अच्छा खासा आर्टिकल आपके सामने आ चुका होगा किसी भी फील्ड का, आप देख लीजिए वो आपको मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी से भागे मत, उसको हम लोक कल्याण का माध्यम कैसे बनाएंगे, राष्ट्र की प्रगति का माध्यम कैसे बनाते हैं, यह आपके हाथ पे निर्भर करता है, आप पे निर्भर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, उसकी जानकारी होना, उसके सुरक्षा के निहितार्थों को जानकारी भी होना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानकारी होना, हम उन सभी बातों को लेकर के जब अपने आप को पूरी मजबूती बना तय कर लेंगे, उस पक्ष के बारे में जब हमारा पक्ष मजबूत होगा तो कोई कारण नहीं कि फिर इस प्रकार के जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं, जो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करके अनावश्यक रूप से एक निर्दोष व्यक्ति को सजा होना और दोषी व्यक्ति का दोष मुक्त हो जाने की घटनाएं हमें सुनाई देती हैं, उनसे काफी बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और हर दोषी व्यक्ति कानून के कटघरे में खड़ा होना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का हमारा यह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज इस दिश से एक मील का पत्थर न केवल उत्तर प्रदेश की दिश से बल्कि पूरे उत्तर भारत की दिश से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपने आप को स्थापित करने में आगे बढ़ेगा। आज आपको यहां पर संविधान दिवस के अवसर पर मुझे विश्वास है कि यहां पे हम लोगों ने पहले दिन ही कहा पास आगे बढ़ने का अवसर है। आगे बढ़ने का मतलब देश के अंदर साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए, फॉरेंसिक साइंसेस से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी हाई क्लास लेबोरेटरीज हैं, उन सब के सामने हमें
उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और उस दिशा में उत्तर प्रदेश का यह इंस्टीट्यूट जिस मजबूती के साथ आज अपने पैर को बढ़ा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वह लक्ष्य आप अवश्य प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सबको मैं एक बार फिर से संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने बात को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।